नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहिबं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न हो वही जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणप लख हो हित एक न चलै नाल केव सचियारा होइया केव कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोय गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने नीसाण गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेहे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथरा कथी न आवै तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे परवाह साचा साहिब साच नाहे भाख्या पाव अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार फेर के अगै रखी है जित दुसै दरबार मुहाओ के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना ओढ़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथनो न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नहावा जे तिस भावा विण भाणे के नहाए करी जेती सेठो पाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीर्त जगले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुणे गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोय करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तबल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सुख काल नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया ईश्वर वर्मा इंदो सुनया मुखसा लहण मन दो सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया सत संतोख ज्ञान हो सुनया अठ सठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावै मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावै राह सुनया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਰਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਨੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਹੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀ ਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋਹ ਭਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲੇਵ ਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਓ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ ਹੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਯੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਸ ਅਠਾਰਾ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਹੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ
केतिया गणत नहीं विचार, केते खप टुटै बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए, होर आख न सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओह जाणै जेतिया मोहे खाए, आपे जाणै आपे देहे, आखै से पे के ई केहे, जिस नो बक्से सिफत सालाह, नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवहै मुल लै जाहे, अमुल पाए मुल असमाहे, अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रवान, अमुल बख्शीस मुल नीसान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिव लाए, आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करह बखियान, आखै बरमे आखै इंद, आखै गोपी तै गोविंद, आखै ईश्वर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध, आखै दानव आखै देव, आखै सुर नर मुन जन सेव, केते आखै आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करेहे, ताख न सकै के ई केहे, जेवड़ पावै तेवड़ होए, नानक जाणै सचा सोए, जे को आखै बोल बिगाड़, ता लिखिया सिर गावारा गावार, सो दार केहा सो कार केहा, जित भै सर्व संभाले, वाजे नादन एक असंखा, केते बावन हारे, केते राग परिस्यव कईन, केते गावन हारे, गावे तोनो पौन पानी बै संतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंदे दासन बैठे देवत्या दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहने, सुरगा मच पयाले, गावन रत्नों पाए तेरे, अड़सठ तीर्थ नाले, गावे जोध महा बलसूरा, गावे खान इंचारे, गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे, से ही तुदनो गावे जोत पावन, रते तेरे भगत रसाले, और केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिनो पाई, कर कर वेखा कीता अपना, जिव तिस दी वड़ियाई, जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाहो साहा पात साहिब, नानक रहन रुजाई, मुंदा संतोख सरमपद चोली, ध्यान की करह विभूत, चिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीता जग जीत, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहते, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरासाद, संजोग विजोग दो एकार चलावै, लेखे आवै भाग, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दी बाण, जिवत सभावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान, ओह वेखै उन्ना नदर न आवै, बहुता एहो विडाण, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय भंडार, जो किश पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी भाव लख हो, लख होवै लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया है, एक नाम जगदीश, ए तुराहे पत पवड़िया, चढ़िया होए कीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा या ईरीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राजमाल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीए जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै नीसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जा पै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काड़त कड़िया है, रूप रंग के वेश,
केतिया कर्म भूमि मेर केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोट आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िया सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता मैं ममाहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरहे न ठागे जाहे जिनकै राम बसै मन माहे तिथे भगत बसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड बसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथे लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अग्न तपताओ भांडा पाओ अमृतो तिताल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सकल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसके सतगुर दित्ती तुसके बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसके सतगुर दित्ती तुसके बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टे हर अमृत परे भंडार हर अमृत परे भंडार सब किछ है घर तिसके सब किछ है घर तिसके बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसके सतगुर बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की देख।
समरथ मन ना डिगे
तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहे हो सवाए। भगत फरीद जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग उनके प्रवचन सुन रहे हैं, वो प्रवचन कर रहे हैं भगत फरीद जी। एक शिष्य ने सवाल किया, एक सवाल है कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक के प्राप्ति हो जाए, कोई रास्ता दिखाओ। फरीद जी कहने लगे, भगत फरीद जी, भक्ति कई प्रकार की है, 9 प्रकार की भक्ति गिनी गई है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। पर 9 ही 9 भक्तियों में एक बात विशेष है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। उन 9 भक्तियों में अगर एक बात ये नहीं है तो भक्ति कभी भी प्रफुल्लित नहीं होगी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। तो पूछा, क्या? तो भगत फरीद जी ने इशारा किया, एक वहां पे पेड़ जिसके पत्ते झड़ चुके थे, तेज हवाओं से आंधी आई होगी, वहां पर उसकी टहनियां भी टूटकर गिर चुकी थी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। पर उसकी जड़ कायम थी, धरती में उसकी जड़ कायम थी। फरीद जी ने वो इशारा करके ये पंक्तियां उच्चारण की, श्रवण कीजिए। फरीदा साहिब दी कर चाकर, साहिब जी कर चाकरी, दिल दी लाहे पराद, दरवेशानू लोड़िए दरवेशानू लोड़ी, रुखा दी जीवांद, हाँ रुखा दी जीरांद। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। भगत फरीद जी समझा रहे हैं भक्ति करनी है किस प्रकार। फरीदा साहेब दी कर चाकरी, दिल दी लाहे परांद। भक्ति करते वक्त अपने गुरु पे कोई संसा नहीं लाना। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जिस प्रभु की, जिस खुदा की तू इबादत करने बैठ रहा है, उस पर कभी कोई शंका उत्पन्न ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, जब भक्ति के मार्ग पर चलोगे, दरवेशों के मार्ग पर चलोगे, दरवेश बनने, तो तकलीफें आएंगी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। दुनिया से ज्यादा तकलीफें आएंगी। जिस प्रकार ये पेड़, इसे आंधी तूफान का सामना करना पड़ा, इसके पत्ते झड़ गए, टहनियां टूट गई, पर इसने अपनी जड़ नहीं खोई। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। दरवेशानु लोड़िए है रुखा दी जीरांद। अगर प्रभु को पाना है, दरवेश बन के इस रास्ते पर चलना है, तो चाहे कितनी भी तकलीफें आए, अपना विश्वास अटूट रखना है गुरु पर। जिस प्रकार पत्ते झड़ जाने पर भी, टहनियां कट जाने पर भी, टूट जाने पर भी, ये पेड़ जड़ कायम है इसकी, ये फिर से हरा हो जाएगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अपने मन को डोलने मत देना कभी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। फरीद जी समझा रहे हैं यही बात, भाई भगत कबीर जी समझा रहे हैं कि मन ना डिगे तन काहे को डराए। भगत कबीर जी की इतनी चर्चा हो गई, एक तरफ राजा है उसे मिलने कोई नहीं जाता, एक तरफ पंडित ब्राह्मण है, विद्वान है उनसे मिलने कोई नहीं जाता, पर बड़े बड़े पीर फकीर भगत लाइन लगाकर कबीर जी के झोंपड़ी के बाहर खड़े रहते हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अब बादशाह से कहां बर्दाश्त हो, कान भरे गए उसके। उसने कहा, इसे खत्म करवा दो,
बड़ी लंबी कहानी है, दास शॉर्ट में बता रहा है। कई प्रकार से कबीर जी को मारने की कोशिश की गई, बार बार मारने की कोशिश की गई, तंग आ गए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में जंजीरें बांध दी गई पूरे शरीर में कि नदी के बीच डाके, गंगा नदी के बीच में डाल के इसे डुबो देंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी पूरी व्याख्या कर रहे हैं कि मेरे हाथों में जंजीर बांध कर मुझे खड़ा कर दिया गया है गंगा नदी में डुबोने के लिए। पर कबीर जी कह रहे हैं मेरा मन नहीं डर रहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे तन को डराकर क्या कर लोगे, जब मेरा मन नहीं डर रहा मेरे तन को तकलीफ देके तुम क्या कर लोगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सवाल पूछा गया क्यों नहीं डर रहा, मन क्यों नहीं डर रहा, मौत को सामने देके हर कोई डर जाता है। तो यहाँ पर कबीर जी ने जवाब दिया, ये जवाब आज का प्रकरण है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो कबीर जी ने जवाब दिया, ये पंक्ति, ये पॉइंट सबसे कीमती है। क्या? चरण कमल चित रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए, मन नाड गए तन काहे को डराए, मन नाड गए तन काहे को डराए, मन नाड गए तन काहे को डराए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बात समझने वाली है साथ संगत जी, हर इंसान के जीवन में एक समय आता ही आता है जब तकलीफ आती है बहुत, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये समय कई बार आता है, एक बार नहीं, हर एक के ऊपर आना है जिसने जन्म लिया है, तकलीफें दुख देखने ही पड़ेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान डर डर के जीता है, जो बीमार नहीं है उसे बीमारी का डर है, और जिसे बीमारी हो गई उसे मौत का डर है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब है उसे डर है किसी चीज की जरूरत पड़ गई और वो चीज ना मिले तो मेरे पास धन नहीं है, डर है। अमीर है बहुत है डर है कोई लेना जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर कोई डर के जीता है, दिन में हम कई चीजों से कई प्रकार से डरते हैं, हम डर डर के जीते हैं। वाणी कहती है इसका इलाज है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तेरी सुरत वाणी में जुड़ी हुई है, अगर तेरे भीतर नाम चलता है, तो तुझे कभी भी डर नहीं लगेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी कह रही है। सवाल किया था किसी ने कि डर खत्म नहीं होता, कई लोग आते हैं बहुत डर लगता है जिन्हें। बाबा नंद सिंह जी कहते थे मूल मंत्र का जाप किया करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? एक बार पढ़िए, एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मूल मंत्र क्या है? निरंकार के गुण, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब मूल मंत्र का जाप करते हैं, ये एक एक गुण हमारे में समाने लग जाता है। ये निर्भव वाणी कहती है, निर्भव जपे सगल भव मिटे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसकी सुरत वाणी में निर्भव, उस वाहेगुरु को कहा गया है। वाणी चाहे कोई भी हो, चाहे वाहेगुरु मंत्र हो, चाहे राम राम हो, चाहे
मूल मंत्र को। अगर सुरत सिमरन में जुड़ी हुई है डर लग ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जीवन में तकलीफ आती है, तकलीफ आती है तो हम डर जाते हैं, डर के क्या करते हैं, मन डोल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हमें तकलीफ आती है हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, हमेशा एक सच्चाई का रास्ता, एक वो मुश्किल होता है, और एक आसान रास्ता वो गलत रास्ता होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझो पकड़े गए किसी चीज में, रिश्वत दे दो, आसान रास्ता है छूट गए, एक मुश्किल रास्ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कोई भी नहीं, कौन है जो रिश्वत कटवाता है, सब रिश्वत देकर छूटने की कोशिश करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सच्चाई का रास्ता होता है, एक गलत रास्ता होता है। हम हमेशा हम डर जाते हैं, मन डोल जाता है, लालची हो जाता है, किसी भी प्रकार मन डोल गया, बात खत्म हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन डोल गया, हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। वाणी कहती है अगर तेरी सुरत वाणी से जुड़ी हुई होगी, नाम से जुड़ गई होगी, तो गलत रास्ता कभी इख्तियार नहीं करेगा, क्योंकि गलत रास्ते का एंड गलत होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर होगा कैसे, चरण कमल चित रहे हो समाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी सुरत नाम से जुड़ गई है, कमाल की बात है, हम अरदास में रोज पढ़ते हैं क्या, जिन्होंने तरम हेत शीश दिते, बंद बंद कटाए, खोपड़िया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े, तन आर्या नाल चिराए गए, तिना दा ध्यान धर के बोलो जी। ये कौन थे ये लोग जिनके तन आर्यों से चीरे गए, आधे आधे कर दिए गए, खोपड़ियां निकाल दी, जीते जी आधी खोपड़ी निकाल देते थे। कहा जाता था या तो मुसलमान हो जाओ, ये धर्म अपना छोड़ दो, तुम्हें जीवित छोड़ देंगे, या तो फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन सिखों ने क्या किया, मरना मंजूर है धर्म नहीं छोड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब काटने लगे, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं साथ संगत जी, अगर मैं कभी ये घटना यहाँ पे लेता नहीं, इतनी डिटेल में है कि सुना नहीं जाता, बोला नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिल जाता है हृदय। गुरु तेग बहादुर साहब जी सामने है, कहने लगे कह दो ये मेरा गुरु नहीं, कहने लगे मर जाएंगे पर यही हमारे गुरु हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने फिर आखिरी इच्छा बता दो, तुम्हारा तन चीरे जाने वाला है आरे से, बीच में से दो आदमी पकड़ के आरे से काटेंगे तुम्हें बीच में से। कहने की एक ही बस आखिरी इच्छा है कि मेरा मुख गुरु तेग बहादुर साहब जी की तरफ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपजी साहब जी की बाणी शुरू हो गई, तन काटा जा रहा है, दो टुकड़े हो गए तन के, बाणी चल रही है, जपजी साहब जी का पूरा पाठ खत्म हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो टुकड़े होने के बाद भी बाणी की आवाज आ रही है। ये कौन लोग थे जिन्हें डर नहीं लगता था, कैसे, चरण कमल चित रहे हो समाए। ये जुगती है, अगर हमारे चित गुरु के चरणों से जुड़ गया, ये जो अभ्यास हम रोज बात करते हैं अभ्यास करने की, अगर हम करते रहे, करने की बात है साथ संगत जो कोई कर ले। यानी संसिंह जी मस्किन जी वतन सुनाते थे, कहते थे कानपुर की घटना है शायद, कानपुर में कहते मेरा कीर्तन दरबार कई दिनों का, वहां पर मेरी मित्रता हो गई किसी से जिसका कोई दुकानदार था कपड़े वाला, गुरुद्वारे के रास्ते में उसका घर, मैं जाते हुए उसे ले जाता था, चल गुरुद्वारे चलते, वो भी चल पड़ता था। रोज कीर्तन सुनता था, रोज कथा सुनता था। मैंने एक दिन उसे पूछ लिया कोई अभ्यास भी करता है, तो कहने लगे, उसने जवाब दिया नहीं, अभ्यास क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने कोई वाहेगुरु स्मरण का जाप, कोई मूल मंत्र का अभ्यास, कहने लगा नहीं कुछ नहीं करता। ज्ञानी संत सिंह जी मस्किन जी कहने लगे, मैंने उसे कहा अभ्यास करने का तरीका बताया और कहा कि अमृत वेले उठ के केवल आधा घंटा कर लिया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कीर्तन सुनता है, सेवा करता है, कथा सुनता है, आधा घंटा सिर्फ अमृत वेले अभ्यास कर लिया कर। यानी संत सिंह जी मस्किन जी कहने लगे, मुझे तब पता चला कि ईर्ष्या क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेलसी क्या होती है, कहने लगे दिनों दिन मैं उसे देखता था, उसकी अवस्था बदलती जा रही है, दिनों में, महीनों की बात नहीं। कपड़े का दुकानदार, कपड़े का व्यापारी, आधा घंटा अमृत वेला संभालना शुरू किया, वाहेगुरु सिमरन का ध्यान लगाना शुरू किया,
कहने लगा थोड़ा खाना थोड़ा बोलना, उसका जीवन इतना ऊंचा हो गया, उसके चेहरे पर वो जलाल वो लाल चुप कर गया वो। और कहते मैंने अपनी आंखों से देखा है सारी, वो जो अब मुख से कहता है वो बात पूरी हो जाती है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। सारे लोग उसे भगत जी कह के बुलाने लगे क्योंकि अवस्था इतनी ऊंची हो गई। कहने लगा मैं हैरान हो गया, बताया मैंने है इसे और ये पहुंच गया, मैं अभी तक पहुंचा नहीं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। मुझे जेलसी होने लगी इससे कि मैंने बताया है। कहने लगा मैंने अरदास की गुरु नानक को पाछा, मैंने इसे रास्ता बताया, ये आधा घंटा सिमरन करके अमृत वेले पहुंच गया। कहने लगे मेरी नजर में उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात तो मानने की है, सुन सब रहे हैं, यानी संसीन जी मिस्किन जी। कहने लगे हम सब सुनते हैं, मानता कोई विरला है और जो चल पड़ता है गुरु नानक मेहर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर डर नहीं, निर्भव जपे सगल भव मिटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चरण कमल चित रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए, मन नाड़ गए तन काहे को डराए, मन नाड़ गए तन काहे को डराए, मन नाड़ गए तन काहे को गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है, बड़ी प्यारी। इससे ये पता चलता है अगर मुसीबत के समय चिंता करने के बजाय चिंतन किया जाए तो क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म लिया है, अगर सुख है तो दुख भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। ये सिचुएशन हर एक के साथ जीवन में आनी ही है, इसलिए अगर पहले तैयारी हो तो फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में नाम आया है गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय, भाई कटारू, इसने बेनती की गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्यारा सिख के पाछा दूर प्रदेश में जाना पड़ रहा है कारोबार के लिए, वहां पर मुगलों का राज है, डर लगता कोई बिपता ना आ जाए कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे भाई कटारू हमारे चार वचन मान ले, तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे लिए भी है, जो गुरु साहेब जी किसी को उपदेश देते हैं वो हम सबके लिए होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला वचन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया कि अमृत वेला नहीं छोड़ना। दूसरा श्री जपजी साहिब जी की वाणी से जुड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे तेरा कारोबार है, किराने की दुकान थी उसकी भाई कटारू की,
कहने लगे तेरा कारोबार किराने की दुकान का है। तीन प्रकार के लोग होते हैं, कम तोलने वाले, पूरा तोलने वाले और थोड़ा ज्यादा तोलने वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहने लगे दुकान पे ज्यादा तोल के देना किसी को भी, जब तक पलड़ा भारी ना हो जाए, नीचे ना चला जाए। जब भी किसी को तोल के दे तो ज्यादा तोल के दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तेरी कमाई में बरकत पड़ेगी। गुरु नानक पातशाह ने सारी दुकान लुटा दी थी, तेरा भाई तेरा। वो पत्थरों के दर्शन कराए जाते जो वट्टे वो रखते थे तोलने के लिए। गुरुद्वारा है, गुरु नानक पातशाह ने तेरा तेरा करके सारी दुकान लुटाते थे। तेरा तेरा का भाव क्या था, जो भी जितना भी कुछ दे जाए, उन्होंने जितना मांगा उतना दे देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई एक टका दे रहा है, कोई एक पैसा दे रहा है, कोई एक रुपया दे रहा है, जितना वो मांगता उसे देते जा रहे हैं। दुकान लुटा दी पूरी मोदी खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकायत पहुंच गई कि गुरु नानक पातशाह ने सारी दुकान लुटा दी आपकी। वो भी टेंशन में आ गया जिसकी दुकान थी आए। वो बड़ी लंबी साखी घटना है, दास शॉर्ट में बता रहे। जब हिसाब किया गया तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा रहे, कहने लगे जब सब कुछ है ही तेरा, नुकसान कैसे हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी सोच है, बस हमारी सोच छोटी है। महापुरुषों के वचन है, कम तोल कर देना, कम माफ कर देना, कहते थे बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे लोग जितना मर्जी नाम जप लें, फल बहुत थोड़ा मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो ईमानदारी की कमाई करता है, थोड़ा नाम जपा हुआ भी ज्यादा फल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कटारू से कहने लगे गुरु अर्जन देव जी महाराज, ज्यादा तोल के देना। और चौथा वचन, कोई गरीब आ जाए जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ मांग रहा है, तेरी जितनी समर्था है उतनी सेवा करके भेजना, खाली मत लौटाना किसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के वचन देते हैं, तेरे अंग संग गुरु रहेगा अगर ये चार वचनों की पालना करेगा। पहला क्या, अमृत वेला। दूसरा, जपजी साहब जी की बाणी। तीसरा, ज्यादा तोलना। चौथा, कोई गरीब आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए, खाली मत लौटाना, जितना हो सके उतनी सेवा करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कटारू चला गया। अब जरा विचार कीजिए, कोई इस प्रकार से दुकान चलाए कि ज्यादा तोल के दे, कोई खाली वापस जाए ना तो उसकी दुकान पर तो भीड़ लगेगी ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आस्ते आस्ते इतना नाम हो गया भाई कटारू का कि उसकी दुकान खुलने से पहले बार ग्राहक खड़े रहे, कि ज्यादा तोल के देता है, ईमानदार है। पर जब दूसरे दुकानदार थे, उनसे देखा नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हमेशा से चलता है, आज का दिन आज की बात नहीं है ये। दास बता दे यहाँ पर बात बीच में निकली है तो, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वचन है, कई लोग आते हैं कि दुकान नहीं चलती, ग्राहक नहीं आते। मैं आपको दो चार एड्रेस ऐसे दे सकता हूँ सत्संग जी, आप जाके देखो, हैरान हो जाओगे। आज मंदी के दौर में जिसके पास, लोगों के पास ग्राहक नहीं है, जिन्होंने ये जुगति अपनाई है जो महापुरुषों ने बताई थी दास को, दास ने उन्हें बताई, वो हैरान है। खुद फोन आते हैं उनका कि हैरान है, हम किसी के पास ग्राहक नहीं, हमारी दुकान पे भीड़ लगी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या करते हैं, वैसे तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वचन तो वो है ही जो है, पर कुछ अलग भी कहा महापुरुषों ने। कहने लगे एक दुकान थी, शोरूम नाम नहीं लेगा दास, फिर वो उजागर हो जाता है। दास ने उन्हें कहा, उन्हें देख के बहुत लोगों ने शुरू किया है, हो सके तो कर लो। उनके करीब 50-60 लोग काम करते हैं दुकान पे, बड़ा शोरूम है। मुझे ले गए थे वहां पे, तो मैंने कहा इतने लोग हैं आपके पास, तो सारी संगति घर पे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुकान खुलती है 10 बजे, मैंने कहा 10 बजे का टाइम रखो, बस 10 से सिर्फ 13 मिनट, 10:15 तक सबको इकट्ठा कर लो एक जगह पे, और 13 मिनट सब बैठकर वाहेगुरु शब्द का जाप करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब जितना भी स्टाफ है, जितने भी लोग हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं रोज। और गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वचन, आप सोचो वाइब्रेशन क्या हो जाएगी दुकान की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो स्टाफ की सोच, उनकी सोच भी बदल जाती है काम करने की, हर तरह की वाइब्रेशन बुरी खत्म हो जाती है।
वाहेगुरु शब्द के जाप से। गुरु अर्जन देव जी महाराज के जो वचन है, अगर दुकान नहीं चलती कहते थे गले पे बैठकर, एक श्री जपजी साहब जी और सुखमनी साहब जी का पाठ करने के बाद ही ग्राहक से बात करें, दुकान एक घंटा पहले खोल ले, पाठ करने के बाद ही ग्राहक से बात करें, कहते थे हो ही नहीं सकता कि उसको कभी मंदी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बरकत पड़ेगी ही पड़ेगी। पर हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, 4 घंटे दुकान ज्यादा खोल लेंगे पर ये नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि विश्वास नहीं है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और कौन 1 घंटा बैठ के सुखमनी साहब जी का पाठ करे, इससे अच्छा 4 घंटे दुकान ज्यादा खोले दिमाग। किसी ने कहा भाई आप भाई साहब ये सब क्या बताते हो, पाठ करो दुकान पे बैठ के, उनको उल्टा उनको बताओ कि बिजनेस करते कैसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि सही माल रखो, सही चीज रखो, सही जगह पे रखो। मैंने कहा ये तो उन्हें पता ही है। प्यार से बोलिए दुकान धन गुरु नानक, ये सारे दुकानदार बैठे हैं, धर्म के नाम पे बुद्धि बंद हो जाती है, बाकी दुकान पे जाके देखो इनसे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई मिलेगा नहीं आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और खास करके हम सिंधी दुकानदारी में हमसे आगे कौन हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन है कोई पल्ले बांध ले गुरु अर्जन देव जी महाराज के, ऐसा हो ही नहीं सकता बरकत ना पड़े दुकान पर पहले श्री जपजी साहब जी का पाठ और सुखमनी साहब जी का पाठ हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समा आ गया, जो ईर्ष्या कर रहे थे लोग जिनकी दुकानों पे बिजनेस कम हो गया क्योंकि गलत तोलते थे, भीड़ यहां पे आने लगी, तो उन्होंने सोचा इसका क्या किया जाए भाई कटारू का। तो उन्होंने एक स्कीम लगाई कि जब भाई कटारू का ध्यान यहां वहां हो तो जो वजन होता है जिससे तोलते हैं उसमें हेर फेर कर दिया जाए, वजन बदल दिया जाए, और जाके शिकायत कर दी नवाब से कि ये कम तोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके वट्टे जो वजन होते हैं जिससे तोलते हैं 1 किलो 1/2 किलो पाओ वो सब बदल दिए, उसका ध्यान बदला कर और शिकायत कर दी, और हाकम ने भेज दिया आदमी चेक करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आ गए दुकान पर, भाई कटारू काम कर रहा है, कहने लगे वजन चेक करना है। भाई कटारू कहने लगा मैं कम नहीं तोलता, मैं तो ज्यादा तोल के देता हूँ, मुझे मेरे गुरु का हुक्म है। कहने लगे नहीं तेरे वजन गलत है, शिकायत आई है। भाई कटारू कहने लगा देख लो वजन, और जब भाई कटारू की निगाह वजन पर गई हैरान हो गया, ये तो मेरा वजन है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझते देर ना लगी कि मेरे साथ हेरा फेरी हो गई है। भाई कटारू ने जो किया उस वक्त बस वो करना सीख ले हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल समय आया, दुकान बंद हो सकती थी, सील कर दिया जाती थी उसकी दुकान, उसने ये नहीं कहा कि रिश्वत ले लो जान छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लड़ा नहीं, घबराया भी नहीं, क्या किया, कहने लगा ठीक है आप चेक करो मुझे मत बुलाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साइड में बैठ गया समाधि लगाकर, ध्यान गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में और श्री जपजी साहब जी का पाठ करना शुरू कर दिया भाई कटारू ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा था तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, जपजी साहब जी की बाणी को पकड़ के रखना, अमृत वेला संभालता है। मुश्किल समय आया, घबराया नहीं, मन डोला नहीं, जपजी साहब जी की बाणी का आसरा लिया, बाणी पढ़नी शुरू कर दी। क्या किया उसने, चरण कमल चित्त रहे ओ समाए, कमल चित्त रहे ओ समाए, चरण कमल चित्त रहे ओ समाए, मन नाड़ गए तन काहे को डराए, मन नाड़ गए तन काहे को डराए, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे।
चरण कमल चित रहे ओ समाए मन नाड गे तन काहे को से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भाई कटारू श्री जपजी साहब जी का बाणी पढ़नी शुरू कर दी। मन जोड़ दिए गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों से। यहाँ पर ऑफिसर्स वजन चेक करने जा रहे हैं, एक तरफ अपने वजन लेकर आए, एक तरफ इसका रख रहे देखने के लिए कम कौन सा है, कितना कम है। वहां पर श्री अमृतसर साहब जी में गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे हैं, लोग आगे माथा टेक रहे हैं, उनको बहुत सारे पदार्थ रख रहे हैं, हीरे जवाहरात रख रहे हैं। किसी ने आकर एक टका माथा टेका, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वो टका अपने हाथ में पकड़ लिया। कभी इस हाथ में रखते हैं, कभी इस हाथ में रख लेते हैं, कभी इस हाथ में रखते हैं, कभी इस हाथ में रख लेते हैं। बार बार यही करते जा रहे हैं। सेवादार ने पूछा, अच्छा ये क्या लीला है, लोग बड़े बड़े हीरे जवाहरात रख लेते हैं, वो आप नहीं देखते, टके को इतना प्यार दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं, बात यह नहीं है, हमारा प्यारा सिख भाई कटारू उस पर विपता आन पड़ी है, उसके वजन चेक किए जा रहे हैं। जिस तरफ वजन कम होने लगता है हम ये सिक्का उस तरफ रख देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहां पर ऑफिसर्स वजन चेक कर रहे हैं, जिस तरफ कम होने लगता है गुरु अर्जन देव जी महाराज सिक्का दूसरी तरफ पकड़ लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबते वड्डा, सबते वड्डा सत गुरु नानक। अगर चित गुरु अंगद देव जी महाराज के वचन याद रखो, अगर सिमरन साथ में है, गुरु साथ में है। जिन लोगों को इस बात पर विश्वास है ना साथ संगत जी, हमें तो विश्वास नहीं है ना। मैंने ऐसे सत्संगियों के दर्शन किए, उनके साथ में रहा हूं। अब ये ऐसी बातें पता नहीं बतानी भी चाहिए कि नहीं, कोई समझ पाएगा कि नहीं, पर उनके मन की अवस्था समझाने के लिए कि जो समझते हैं साथ में है। बाथरूम जाने से पहले अरदास करते पार्षद थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्था क्या है जरा विचार करो, ये उनकी है जिन्हें लगता है कि गुरु साथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम इस प्रकार से कहां सोच सकते हैं, ये महापुरुषों की बातें होती हैं। जिस प्रकार से बाबा आनंद सिंह जी सोचते थे, आज तक मैंने किसी की इतनी सोच नहीं पढ़ी भी नहीं कहीं पर। गुरु साहब जी को पंखा लोग आगे से लगा के बैठ जाते हैं अपने पे हवा लेने के लिए, पाठी जो पाठ करते हैं। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे गलत है, हवा तुम्हारे शरीर को छूकर गुरु साहब जी को लग रही, तुम्हारी झूठी हवा गुरु को लगे। कहते थे पंखा आगे रखो, हवा गुरु साहब जी को लग के तुम्हें छुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बारीकी से कौन सोच सकता है, कोई चौर साहब करे तो कहते थे इस प्रकार करो गुरु की पगड़ी को लग रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सोच सकता है। वही सोच सकता है जिसका चित वाणी से जुड़ा हुआ हो, उसे एहसास हो कि गुरु साथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिर में वजन चेक करने वाले हैरान हो गए कि वजन तो एकदम ठीक है। भाई कटारू से माफी मांगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिन्होंने शिकायत की थी वो भी हैरान हो गए, वजन तो हमने बदले थे फिर कैसे पूरे हो गए। गुरु ने रक्षा की, पर क्यों की, विचार करने वाला पॉइंट यहां पर ये, क्योंकि भाई कटारू घबराया नहीं, भाई कटारू ने गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसने क्या किया, मुश्किल समय आया, चित जोड़ लिया बाणी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए एक बात को यहाँ पे दास थोड़ा सा समझा दे, हम पे भी कभी और मुसीबतें आती हैं, पता चलता है अचानक एक्सीडेंट हो गया है किसी घर वाले का, यहाँ कोई बड़ी मुसीबत आ गई है, कुछ हो गया है, हम सबसे पहले फोन घुमाना शुरू करते हैं। बाबा नरसिंह जी कहते थे मदद मांगने जाना बुरी बात नहीं है, जाना है, हर एक को मेहनत करनी, घर बैठे बैठे थोड़ा सब कुछ हो जाएगा,
पर सबसे पहला काम सिख वो करे गुरु को अरदास करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहला काम उसी वक्त खड़ा हो जाए, पानी पड़ के गुरु को अरदास करे, पाचा ये तकलीफ आई है, मैं मदद मांगने जा रहा हूँ, मदद भी तब होगी जब तू वर्तेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो साथ ना हो ना साथ संगत जी, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं मुश्किल समय में, अगर वो साथ हो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं मुश्किल समय में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी को साथ ले लो, मुश्किल समय आए सबसे पहले अरदास बाणी शुरू और साथ में फिर मदद मांगो, अंदर बाणी चलती रहे, मन में ये भावना रहे पाछा करेगा तू ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चरण कमल चित्त रहे ओ समा, चरण कमल चित्त रहे ओ समा, चरण कमल चित्त रहे ओ समा, मन नाड गे तन काहे को से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पंक्तियां सर्वन कीजिए, इसमें जुगती बताई गई है, पाचा फरमाते हैं, सर्वन कीजिए। फिर कर बैसो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे का परमेश्वर मारे, जन की पैर रखी करता। थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारी, इसका भाव घर का है हृदय को। बाणी गुरु साहब जी समझा रहे हैं कि अपने हृदय को स्थिर कर ले, मुश्किल समय आए अपने हृदय को स्थिर कर ले। स्थिर होगा कैसे? बाणी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कदे ना डोले जिस राखे सृजनहार। कैसे स्थिर होगा, डोलेगा कैसे नहीं, अगर हृदय में सिमरन होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कहर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, फिर तुम्हारे सारे कारज वो सवारेगा। कैसे? फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करता रे। तुम्हारे सारे सारी मुसीबतें तुम्हारी रक्षा करेगा उन्हें हटाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे सर्वन कीजिए। बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम रस पीने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने कमाल की पंक्ति है, बादशाह शाह सब बस कर देने,
ये बड़े बड़े नेता पॉलिटिशियंस जो किसी का बात नहीं सुनते वो तेरे बस में आ जाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो तेरे साथ हो गया तो बादशाह, आज के जमाने में यही बादशाह है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब बादशाह ही हैं छोटे बड़े। बादशाह शाह सब बस कर देने, वो सारे बस में आ जाएंगे। कैसे? अमृत नाम महारस पीने, तू नाम से जुड़ जा, तेरे काम ये सवारेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर्वन कीजिए आगे। बोलिए धन गुरु नानक। ये पंक्तियां इस शब्द की सबसे कीमती पंक्तियां हैं। पाछा क्या कह रहे हैं? स्थिर कर वैसो हरजन प्यारे, कि तू स्थिर होकर बैठ जा, अपने हृदय को नाम से जोड़ ले। पर आखिरी में समझाते हैं कि ऐसा बातों से नहीं होगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्भव होए पजो भगवान, निडर होके नाम जप तू, डर मत। पर कहते ये दांत मिलेगी कहां से? ये निडरता की दांत कहना बड़ा आसान है, डरो मत। पर जब सामने मुश्किल दिखाई देती है हर आदमी डरता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाशा कहते ये बातों से तुझे निडरता नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? जुगति बताइए। साध संगत मिल किनो दान, ये निडरता का दान तुझे संगत में आके ही मिल सकता है। संगत में बैठ के जब तू जपेगा नाम, तेरा मन निडर हो जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने किस्मत पर फख्र किया करो, गुरु नानक ने अपनी संगत में बिठाया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खाली बातों से बात नहीं बनेगी। निरपौ होए पजो भगवान, पर कहां साध संगत ये दान मिलेगा? कहां से? साध संगत मिल किनो दान, शरण परे ब्रह्मंतर जामी, नानक ओट पकड़े राम स्वामी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी शरण प्राप्त हो जाएगी, जो उसकी शरण में आ गया उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये संगत में होता क्या है? संगत में होता क्या है? बार बार शब्द की चोट लगती है। कल भी ये बात हुई थी, एक किले को दीवार में ठोका जाए बार बार जोर से चोट मारकर, फिर वो उखाड़ने पर उखड़ता नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अंदर धस चुका होता है। ये वाणी की चोट बार बार लगती है संगत में, साथ संगत में मन इतना पक्का हो जाता है कि निडर हो जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रोज संगत करता है, यहाँ पर रोज की बात की गई, गुरु नानक पातशाह का हुक्म है दिन में दो बार संगत करना, कम से कम अमृत वेले एक बार तो कर ही लिया करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे लोग है वो कहते हैं हम घर में कर लेते हैं, अच्छी बात है, उनके चरणों पे मेरा सर जो घर में भी उठते हैं, पर संगत की बात और ही है। संगत बहुत जरूरी है। बाबा नरसिंह जी वचन करते थे, चाहे रोम रोम में सिमरन शुरू हो जाए, संगत फिर भी जरूरी है। नहीं तो आदमी अकेला घर में सिमरन कर करके अहंकारी हो जाता है, उसे लगता है मेरा जैसा कोई है नहीं, यहाँ पर आकर पता चलता है मैं तो कुछ भी नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो 3 बजे आती है वो देखते हैं लोग 1 बजे से बैठे हैं, जो 1 बजे आते हैं वो देखते हैं लोग 10 बजे से बैठे हैं, अहंकार नहीं आता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन विनम्रता में आ जाता है और पा जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार दास, एक बार सारी संगत, गुरु मेहर करे ये अवस्था मिल जाए। चरण कमल चित रहे ओ समाए, चरण चरण कमल चित रहे ओ समाए। वाह वाह, मन ना डरे तन काहे को डराए, मन
गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, 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 मृगशाला पर बैठे कवि बोलिए धन गुरु नानक। शुक्र है गुरु नानक का, शुक्र है गुरु अर्जन देव जी महाराज का, ये शब्द अंकित किया गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। नहीं तो आजकल के ज्ञानी ध्यानी तो ये कहते हैं कि चमत्कार होते ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी लिख रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शब्द अंकित किया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में। कबीर जी खुद कह रहे हैं कि मुझे फेंका गया गंगा नदी में जंजीरें बांध कर, पर गंगा की लहर ने मेरी सारी जंजीरें तोड़ दी और एक मृगशाला प्रकट हुई। मृगशाला कहते हैं हिरण की खाल को, वो प्रकट हुई पानी में, मैं उस पर ऐसे बैठा हूं जैसे धरती पर बैठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों चरण कमल चित रहे हो समाए, मेरे सुरती उस राम से जुड़ी हुई थी, उसी ने मुझे डूबने नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डूबोने वाले जो गए थे, नाव लहर आई वो नाव डूब गई, उसके साथ डूबोने वाले डूब गए। कबीर जी मृगशाला पर बैठे हैं आराम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर, मृगशाला पर बैठे कबीर, चरण कमल चित रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए, मन नाड गए तन काहे को से बोलिए धन गुरु नानक। डोलन ते राखो प्रभु, ये अरदास है। अच्छा मैं डोलने वाला ही हूं, मेरी अवस्था नहीं कि मैं ना डोलूं। तू तरस कर, सर पे हाथ रख कि मैं ना डोलूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं ना घबरा जाऊं तुझ पे, कभी भी मैं शंका ना करूं, मेरा मन डोले ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरोसा क्या होता है, वचन मानना क्या होता है, हुक्म मानना क्या होता है। हुक्म मानेगा वो पालेगा, और गुरु का हुक्म एक तो मान ले,
हम सारे नहीं मान सकते, एक अमृत वेला को संभाल लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का हुक्म, दास की बेनती, सारे हुक्मों में से सिरमौर हुक्म, अमृत वेला मत छोड़ना, अमृत वेला कभी मत छोड़ना। ट्रेन में हो, प्लेन में हो, बाहर हो, अंदर हो, जहां भी हो, अमृत वेला मत छोड़ना। ये समा गुरु को दे दो। कई लोग कहते हैं कि सुबह नहीं उठा जाता, मेरे पास आते हैं कोई युक्ति बताओ, मैं कहता हूँ रात को सोए मत। घर से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह सो जाओ। कई लोग लेट आते हैं काम से, वो कहते हैं कि क्या करें हमको, एक बज जाता है, दो बज जाती है। मैं कहता हूँ स्नान करके वही टाइम पे कर लो, पता सुबह नहीं उठा जाएगा, वही टाइम स्नान करके बैठ जाओ, अपना नेम करके फिर सो जाओ। घर से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ते तो बहुत हैं, करने वाला चाहिए, बहाने मत बनाओ। यही एक चीज है जिसने सारे गुण भरने, यही एक अमृत वेला है जिसने ये सारी अवस्थाएं बख्शनी है जो हम रोज सुनते हैं एक एक करके। भरोसा नहीं डोलना मन का, श्वास श्वास सिमरन, एक एक चीज अमृत वेले के सिवाय नहीं हो सकती। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ दिया है संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रोज उठ के स्नान करके ध्यान जोड़ते हैं वो संत बनेंगे, वाणी कहती है। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ दिया है संत, अंत लहेंगे मुकुट फल पावेंगे भगवंत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे राम राम जपो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, चाहे मूल मंत्र जपो, जो जपना है जपो, अमृत वेला संभालो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे नाम उसी के हैं, जिस नाम में रस है उसे पकड़ लो और जपते जाओ। बस पूछो मत कैसे जपना है, वो भी बता ही दिया है, बस जपते जाओ। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन नाट गए तन काहे को डरा, रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए, मन नाड गए तन काहे को डराए, मन नाड गए तन काहे को डराए, मन नाड गए तन काहे को डराए, मन नाड गए तन।
चरण कमल चित रहे ओ समाए, चरण चरण कमल चित रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रचा, पूर्ण होए चित के इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो व्रत पारा, हमरे दुष्ट सब है तुम कावो, आप हाथ दे मोए बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब है कर तारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, और भजन के रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई और ना जाऊं, जो पर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उभरी है, अर्ध काल का त्रास नुवरी है, हो जो सदा हमारे पछा, सिर्यस तुझ जो करियो रचा, राख ले मुझे राखण हारे, साहिब संत साहिब प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, हो पुरी ततर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रगासा, सकल काल का किया तमासा, जवन काल जो की शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जग छन उपजायो, आद अंत के अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारे, सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोहबत कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंजर अस्तोला, सब पर कृपा दृष्टि कर भूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान है, कट कट के पट पट की जान, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तर्क तब दे अपारा, जब अकर्क कर तो कब हो, सब जेते बदन श्रेष्ठ सब दार है, आप आपने बोझ उतार, तुम सब ही ते रहत निरालम, भेद भेद अरे आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, तांका मूढ़ उचार तो भेदा, जाको पेव न पाप भेदा, तांको कर्पान अनुमान, महामूढ़ कछ भेद न जाने, महान देव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्हत न पेव, आप अपनी बुद है जेती, तो पिन पिन तो तुमरा लखा न जाए पसारा, कुछ सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कई कोपा, अंडज जेरज से तज कीनी, कुछ खान बहो रच दीनी, कहूं कुल राजा हव बैठा, समट पयो संक्रिय फैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप से अंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सुखियो बारे असिक संगरो, दुष्ट जिते उठवते उत पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुझ तव सरणी परे, जिनके दुष्ट दुखत हव मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, जिनके तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार ते है, आके काल निकट ने है, रक्षा होई ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहारो, आके ताप तनक मोहरो,
और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा छ सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा पास ते ताए जिन नर नाम ते हारो कहा दुष्ट लोग ते रहा खड़ग के हित में शरण तिहारी हाथ दे ले ओ उबारे सर्व डोर मो सहाई दुष्ट लोग ते ले ओ बचाई खड़ग के हित में शरण तिहारी हाथ दे ले ओ उबारे सर्व डोर मो सहाई दुष्ट दुख ते ले ओ राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया से जिसे की मन वजिया बाधाया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया करे तेरा कार्य सब सवार ना सुनाते साहिबा क्या नहीं कर तेरे घर तेरे सब कुछ है जिते सुपारे सच्चे सैल क्या ना इंगर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधार घर सभागे घर सभागे सबद बाजे कला जित करतारिया पांच दूत बस कीते काल कंटक मारिया मन सुनो बड़बागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे कहते पवि सतगुरु रे अपरपूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहर तुरे सलो पवन गुरु पाणी पिता चंगियां बुरियां आईया वाचे धर्म हजूर करमी आपो अपने जिनी नाम ध्याया जिनी वाहे गुरु 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 वाहे
मशक्कत काल नानक ते मुके उजले खेती छोटे नाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह शुक्र गुजारा पल पल गुरु जी तेनु पुकारा पुकारा शुक्र शुक्र तेरा मैं शुक्र गुजारा पल पल गुरु जी तेनु पुकारा पुकारा शुक्र शुक्र तेरा शुक्र शुक्र तेरा शुक्र शुक्र तेरा शुक्र शुक्र तेरा हो धन धन भाग साडे गुरु घर आए ने गुरु घर आए ने गुरु घर आए ने धन धन भाग साडे गुरु घर आए ने सुते हुए भागानु भी आँखें जगाए ने शुक्र गुजारा पल पल गुरु जी तेनु पुकारा पुकारा शुक्र शुक्र तेरा शुक्र शुक्र तेरा हाँ शुक्र शुक्र तेरा शुक्र शुक्र तेरा दाता जगत तिहाए के रखिया ख्याल सबदा अपना बनाए के मैं शुक्र गुजारा पल पल गुरु जी तेनु पुकारा पुकारा शुक्र
शुक्री शुक्र तेरा, शुक्री शुक्र तेरा, हाँ शुक्री शुक्र तेरा, शुक्री शुक्र तेरा। कृपा निधान गुरु जी सुन दे पुकार हो, सुन दे पुकार हो, सुन दे पुकार हो। कृपा निधान गुरु जी सुन दे पुकार हो, अपना समझ के तुसी कर दे प्यार हो। शुक्र गुजारा पल पल गुरु जी तेनु पुकारा पुकारा। शुक्र शुक्र तेरा, शुक्र शुक्र तेरा, हाँ शुक्र शुक्र तेरा, शुक्र शुक्र तेरा। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा Oh।
गुरु जी सदा जय गुरु जी की।